चिंता कर दोस्तों, आज मैं जयपुर जा रही हूँ और ये डोंगरगढ़ का घूम चक्कर है। मुझे मम्मी और पापा दोनों छोड़ने आए थे। मम्मी को आगे अपने गांव जाना था ननियाल, तो मम्मी भी साथ में आई थी और पापा हम दोनों को लेके आए थे, दोनों को छोड़ने। ये मुझे पापा बस तक छोड़ के गए थे, बस में बिठा के, और मैंने पूरी सेफ्टी रखी। और बस में सीटों सीट थे, मैंने सुना था कि 30% लोग बिठाते हैं, 30 सीटों पे बिठाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हर सीट पे पैसेंजर बैठे थे और सब ने मास्क लगा रखा था, किसी ने तौलिए से मुंह बांध रखा था। और ये बीच का स्टेशन है, इस पे देख लीजिए बहुत कम लोग हैं, इक्के दुक्के लोग हैं। और रास्ते में भी कोई कोई गाड़ी जा रही थी, पहले जैसा माहौल तो नहीं बना है, लेकिन बिल्कुल बंद थे, उससे तो काफ़ी सुधार हो रहा है अभी। ट्रक वगैरह अपने अपने काम सभी कर रहे हैं, कोई बाइक से, कोई किसी से। और यहाँ से ये जयपुर स्टार्ट हो गए हैं। और ये जयपुर का जो ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक रहता था शाम के टाइम में, यहाँ पे जैसे ऑफिस की छुट्टी होती है 5-6 बजे, तो बहुत ट्रैफिक रहता है। लेकिन अभी कोई कोई गाड़ी है, सब जगह बहुत कम गाड़ियां हैं उस टाइम के मुकाबले, जब हम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, आराम से खुल के बाहर जाते थे, घूमते थे, फिरते थे। लेकिन अभी कुछ समय से ये जून में वापस थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है बाहर निकलना, गाड़ियाँ ये देखिए थोड़ी बहुत निकलने चालू हुई है। बाकी ये तो 5-7 गाड़ी खड़ी है, इसकी जगह तो लंबी लाइन लग जाती है 2 मिनट में सिग्नल पे, बहुत ट्रैफिक रहता था इन जगहों पे। ये पीछे बसें खड़ी थी, गवर्नमेंट की बस हो, सब बसें ऐसे ही सब लॉस में जा रहा है। ये चोमू पुलिया है, चोमू पुलिया पे इतना ट्रैफिक होता था कि सड़क क्रॉस करना शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में मुश्किल होता था। दिन में फिर भी कर लेते थे कि हाँ कि थोड़ी सी रफ्तार कम है, लेकिन सुबह शाम जो टाइम होता है ऑफिस का, उस टाइम तो चोमू पुलिया पे बहुत डर लगता था मुझे तो सड़क क्रॉस करने में। तो अभी देखो कितनी छेड़ हो रखी है। और ये जो सड़क है इस पर तो लंबी लाइन लग जाती थी। चोमू पुलिया की सड़क है ये, सिटी से चोमू पुलिया की ओर जा रही है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था लंबा लंबा। लेकिन अभी क्या बताएं, मैंने घर पे पहुँचने के बाद सबसे पहले अपने बैग को, खुद को सैनिटाइज किया अच्छे तरह से हाथों को। मैंने बीच में से बोतल ले ली थी कि घर पे जाते ही हम सैनिटाइज होंगे, जूते मैंने बाहर ही उतार दिए थे। और सैनिटाइज होने के बाद अभी सफाई करूँगी, तो मैंने रूम की सफाई शुरू कर दी है। ये बिस्तर मैंने झड़का लिए हैं और इस साइड की अलमारी झड़का ली है। और ये देखो कितना गंदा हो गया 3 महीने में रूम, हद से ज़्यादा। और बड़े बड़े चूहे अंदर घुस गए थे, देखो इतना बुरा हाल किया मेरे रूम का, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे उन चूहों पे। अब एक सवाल ये भी उठेगा कि आप जयपुर में क्यों आए, आपको नहीं आना चाहिए था, खतरा है। तो मेरी बात वही समझ सकते हैं जो मेरी सिचुएशन में हूँ, जो
जो वर्किंग हों, जो स्टूडेंट भी हो, मुझे पढ़ना भी है, मुझे काम भी करना है, मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, मुझे जॉब स्टार्ट करनी है वापस, और मैं साथ में स्टडी भी करती हूँ तो वो भी करनी है। पढ़ने वाले को पता है कि घर पे पढ़ाई, बच्चों में खेलना, टीवी देखना, बातें करना, उनमें टाइम निकल जाता है, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि मुझसे पिछले 3 महीनों में एक दिन भी मैं ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकी। और अभी थोड़ा लॉकडाउन खुल गया है तो काम भी करना ज़रूरी है, तो काम भी करूँगी और साथ में पढ़ाई भी करूँगी। और मेरा आना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मुझे जो मेरा गोल है वो जल्द से जल्द पूरा करना है। मैं ऐसे फ्री बैठ के टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। और घर पे मुझसे पढ़ाई वगैरह नहीं होती है, मैं किरण के साथ खेलने लग जाती हूँ, टीवी देखती हूँ, मम्मी के साथ बात करती हूँ, कुछ भी नहीं होता है। और ऐसा तो है नहीं कि कोरोना से 100% लोग मर रहे हैं, 100% लोगों को हो रहा है। जो लापरवाही करते हैं उन्हें हो रहा है। तो आपने जैसे देखा, मैं वैसे पैक होके आई थी, मैं लापरवाही बिल्कुल नहीं करूँगी और अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी का ध्यान रखूँगी। बाकी सांस है वो भगवान के हाथ में है, जो होना है वो तो होके रहेगा। गांव में भी तो कोरोना पहुंच चुका है, वहाँ भी तो लोगों को हो रहा है, वहाँ पे भी तो लोग मर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि गांव में होगा नहीं, गांव में भी फैल रहा है, हमारे गांव में के पड़ोस में दूसरा गांव है वहाँ पे हो गए हैं। तो इस वजह से हम कहीं भी पैक होके नहीं बैठ सकते। और मेरा आना मुझे ज़रूरी लगा इसलिए मैं आ गई। देखिए दोस्तों, अभी मेरा रूम साफ हुआ है और ये मैंने पूरा सामान यहाँ पे सेट किया है। दोस्तों मैंने अभी स्नान किया है, रूम साफ किया, किचन साफ की, बहुत देर हो गई, अभी बहुत भूख लग रही है और खाना बनाएंगे, खाएंगे खाना, क्या बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।